तो जितनी भी डेस्पिकेबल मी मूवीज रही हैं, 1, 2, 3, 4 या मिनियंस या फिर कोमिनियंस द राइज ऑफ ग्रू, जितनी भी ये पांचों मूवीज हैं मैंने सारी की सारी देख रखी हैं, लेकिन मैंने इनका रिव्यू नहीं किया। सिर्फ एक मूवी थी मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू जो 2022 में आई थी, उसी का रिव्यू किया था। चलो आज की इस वीडियो में एक और मूवी डेस्पिकेबल मी 4 का उसका रिव्यू कर देते हैं। ये जो इसकी लेंथ है वो 1.5 घंटे के आसपास है, और जब तक मैं इस मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ, जब तक आप ये वीडियो देखोगे, डेफिनेटली ये मूवी थिएटर से भी हट चुकी होगी, क्योंकि इतना ज्यादा लेट हो चुका हूँ इस मूवी को, मतलब देखे हुए इसका रिव्यू करने में बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। खैर, मूवी की कहानी पर आते हैं। अब कई लोग सोचेंगे कि इसकी जो पहले वाली मूवीज आई हैं क्या उनको देखना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने इसकी तीनों वो मूवीज नहीं देखे, तीनों पार्ट इसके नहीं देखे, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ नहीं आएगी। डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं, इसके फोर्थ पार्ट कोई पहली बार देखने बैठे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक अलग स्टोरी है, कोई पिछले से कोई लिंक नहीं है इन मूवीज का इनके पिछले पार्ट से। तो अब कहानी पर आते हैं। तो ग्रू नाम का एक कैरेक्टर है जो ऑब्वियसली जिसका बचपन से सपना होता है विलन बनने का, लेकिन अब उसके घर में एक नया मेंबर आ चुका है जूनियर। वो एक लड़का है, एक मेल है, मतलब उसका बेटा हुआ है। बाकी उससे पहले उसकी 3 बेटियां थी। अब क्या समझे इस चीज से, ये समझे कि ग्रू को लड़का चाहिए था इसलिए उसने बार बार ट्राई किया। खैर, अब ग्रू की जब फैमिली इंक्रीज हो चुकी है तो उसने अपना पेशा भी बदल लिया है। अब वो विलन बनना नहीं, विलन को पकड़वाने का काम कर रहा है, और इसके चलते वो एक मैक्सिम कैरेक्टर जो है एक विलन है उसको पकड़वाता है। लेकिन अब वो जेल से फरार हो चुका है, अब वो बदला लेना चाहता है ग्रू और ग्रू की फैमिली से, और इसके चलते ग्रू अपनी फैमिली को लेकर भाग जाता है। अब वो कैसे अपनी फैमिली को बचाता है ये देखने वाली बात होती है इस मूवी में। अब अगर अच्छी चीजों की बात करें तो जो मुझे इस मूवी में अच्छा लगा, भाई ऑब्वियसली मैंने इसके सारे के सारे पार्ट देख रखे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है इसके अंदर कुछ अच्छा ढूंढने का। हाँ, जो शायद पहली बार देख रहे हैं उनको ये मूवी पसंद आ सकती है। कुछ कुछ सीन जो है मूवी के काफी अच्छे हैं। इस बार जो एडवेंचर है, ग्रू अपनी टीम के साथ जाता है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्रिडिक्टेबल है, लेकिन उसके अंदर ह्यूमर है जो काफी ज्यादा फनी है। और हमेशा की तरह जो मिनियंस कैरेक्टर है उन्होंने समझ लो कि मूवी को ओवरटेक कर लिया। जब जब इनका सीन आता है चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है, जिस तरीके की इनकी हरकतें होती हैं काफी ज्यादा शरारती, काफी ज्यादा फनी है, वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। एनिमेशन भी मूवी की काफी ज्यादा बढ़िया है। मूवी के जो मेकर्स, उन्होंने कोशिश की है मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने की, फनी बनाने की, लेकिन उन्होंने जो मेन फोकस जो है वो बच्चों के ऊपर किया, उनके पर्सपेक्टिव से मूवी को बनाया है। लेकिन जो एडल्ट हैं उनके लिहाज से मैं बात करूं तो मूवी आपको उतनी ज्यादा पसंद नहीं आ सकती, जो इसके ड्रॉबैक में मैं कह सकता हूं कि ये चीजें आती हैं, जिसमें कमियां हैं। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, इतना कुछ हमें नयापन नहीं देखने को मिलता है। इनकी पुरानी मूवीज को देखें, ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा बढ़िया रही है, फर्स्ट मूवी काफी ज्यादा बढ़िया रही, तभी तो करके इनके इतने ज्यादा पार्ट्स आ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इनका क्रम देखेंगे ना, 1, 2, 3, 4 जो मूवी आई है, इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम ही होता आया है। इतनी अच्छी कहानी हमें देखने को नहीं मिल रही है, कोई नयापन हमें नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, 1-2 फनी सीन आ जाते हैं, मिनियंस का कैरेक्टर काफी ज्यादा फनी है, लेकिन उसके बिहाफ पे तो पूरी मूवी रन नहीं कर सकते ना। और एक और जो इसकी शिकायत मेरी रही है वो हिंदी डब से लेकर है। हाँ, हिंदी डब के अंदर मैंने इसको देखा है, इंग्लिश वर्जन ऑब्वियसली यार इतने पैसे नहीं होते हैं कि दो मूवी, एक ही मूवी को दो दो बार मैं देख लूं, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। जब ये OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी तब हम इसको वहां पर इंग्लिश में देख लेंगे, कोई बात नहीं। जो हिंदी डब में मैंने इसको देखी है उसमें एक जो मेरी शिकायत रही है, ग्रू का जो वॉइस रही है मतलब उसके ऊपर सूट नहीं किया। अब मुझे याद नहीं कि जो पहली वाली जो मूवीज थी उसके अंदर ग्रू की वॉइस कैसी थी, इसके अंदर थोड़ी मुझे अजीब सी लगी है। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5/10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो ऑब्वियसली अब आप लोगों को तो ये थिएटर्स में नहीं देखने को मिलेगी। वेट कर लीजिए OTT प्लेटफॉर्म पर आए, आपको वहां पर इसको देख सकते हैं। हां, बच्चे डेफिनेटली इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, वायलेंस इसके अंदर है नहीं, तो बच्चों के लिहाज से तो मूवी काफी ज्यादा बढ़िया है, एडल्ट के लिहाज से तो नहीं, आपको ये इतनी पसंद नहीं आने वाली है। जो पुरानी मूवीज थी वो काफी ज्यादा बढ़िया थी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।